यस चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसएससी 23 2016। अभी बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, 20 मार्च को ही आया हुआ है। सीपीओ के लिए था, तो हम थोड़ा इसके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हैं तो आप कितने कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, गिवन है 2² + 4² + 6² up to 40² = 11480। Then the value of (1² + 2² + 3² up to 20². देखिए इस क्वेश्चन को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं हम समझ लें। देर आर टू मेथड कि एक तो हम डायरेक्टली ही इसको ऐड कर दें 1² 2² 3² up to 20², ये सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है 1² + 2² + 3² up to n² कभी भी याद रखिए एसएससी या बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ट्रिकी होते हैं, बस वो ट्रिक आपको आना चाहिए। अब इसका समीशन होता है n n + 1 2n + 1 by 6। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास देयर आर 20 टर्म 1 2 3 4, तो n के प्लेस पे 20 रख दें तो 20 × 21 × 2 × 20 40 + 1 41 by 6। अब देखिए जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो कर दीजिए, 2 से कैंसिल 10 टाइम 3 से ये कैंसिल, 6 को आपने क्या लिखा 2 × 3 तो 10 टाइम ये 7 टाइम × 41। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 7 = 28 2870। एक तरीका तो ये हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये क्यों दिया, अगर मैं इससे भी करता, सपोज ये फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फॉर्मूला याद हो। अब ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे हम, तो 2² 4² 6² अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2² + 2 × 2² + 2 × 3² + 2 × 4² up to 2 × 20² राइट। इसको ऐसा समझिए 1 × 2² अब क्या होता है कि जब a इंटू बी की पावर n हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a पावर n b पावर n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2² कॉमन ले लें तो 1² मिला, यहाँ पर 2² मिला, यहाँ पर 3² मिला, यहाँ पर 4² up to 20² दिस इज 11480। अब देखिए आपसे ये पूछा है तो 2² होता है 4 का आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या हुआ 1² 2² 3² 4² up to 20² अब क्योंकि मैं समझा रहा था इसलिए इतनी स्टेप लिखी, अदरवाइज ये देख के समझ में आता है कि इसमें अगर हम 2² कॉमन ले लें तो काम हो जाएगा 2² 4, यानी आप मेंटली इसमें सबसे पहले स्टेप में 4 का डिवाइड कर देते। अब 4 का डिवाइड किया तो क्या होगा 4 × 2 = 8 3 + 4 = 32 2 + 4 = 0। देखिए 2870 2870। तो अगर आपको फॉर्मूला याद था तो आप ऐसे कर सकते थे, नहीं था तो क्वेश्चन इतना अच्छा फॉर्म किया हुआ था कि आप विदाउट फॉर्मूला केवल लॉजिक से इसका आंसर दे सकते थे। अब नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, पहले कुछ बेसिक रिवीजन करें हम। एसएससी में जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आता है वो 9th और 10th लेवल का आता है और आपके पास केवल ये 3 फॉर्मूलेज अगर आपको अच्छे से याद हैं तो मुझे लगता है आप 90% क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 1 sin² θ + cos² θ = 1। नंबर 2 इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे sin² θ = 1 − cos² θ, cos² θ = 1 − sin² θ, 1 + tan² θ = sec² θ,
और एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। केवल ये 3 फॉर्मूले अगर आपको क्लियर हैं और प्लस 90 सर्कुलर फंक्शन के 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा के, तो आप 90% क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम समझें कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। देखिए आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। sec थीटा प्लस tan थीटा की अगर वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, राइट। यहाँ पे 2 रखा, 2 अपॉन में चला गया। मैं थोड़ी स्टेप कम लिखता हूँ, आपको भी कोशिश करनी है कि कम से कम स्टेप लिखो। इनफैक्ट अगर मैं ये समझा नहीं रहा होता तो मैं बोलता आपको मेंटली करना चाहिए। अब देखिए आपके पास एक कंडीशन ये है, हम इन दो को सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है 2, sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया 1/2। वैसे ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा x हो तो इसका कॉन्जुगेट हमेशा 1/x होगा। ऐसे ही cosec थीटा प्लस cot थीटा x हो तो cosec थीटा माइनस cot थीटा भी 1/x होगा। चलिए यहां पे आते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, इसको कैंसिल किया तो 2 sec थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1/2, मीन्स sec थीटा इक्वल टू 4 प्लस 1 5/2, यानी एक तरह से 2 टाइम्स है तो sec थीटा आया 5/4। इसका मतलब आपके पास cos थीटा आ गया 4/5। अब cos थीटा नहीं पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin थीटा इक्वल टू होता है, देखिए ये लिखा हुआ फॉर्मूला, sin थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 9, अंडर रूट 9 होता है 3, 25 का 5, यानी जो आपसे पूछा था साइन थीटा, आपने आंसर दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/5। नोट डाउन। एक क्वेश्चन और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आई थिंक कि ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा कि इसको लिखना ही नहीं था, बस ऑब्जर्वेशन से आप इसका आंसर बोल सकते हैं। देखिए क्या था, साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा cot थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, साइन इंटू cosec 1, टेन इंटू cot 1, 1 प्लस 1 2, यानी आपने आंसर मेंटली दे दिया। अब समझते हैं हमने क्या किया। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cosec थीटा, मीन्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, देन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ऑल्सो 1, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो बस आंसर आ गया। तो आप क्या करोगे, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 2 इज फाइनल आंसर। कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको 9th 10th से ऊपर की मैथ्स को कवर नहीं करना है, बट 9th 10th की मैथ्स को कवर करके उनके एप्लीकेशंस भी अच्छे से समझना है।